टीकमगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था चरमराई। मतगणना को तमाशा बनाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों ने आज मतगणना के प्रथम चरण में अपनी मंशा उजागर कर दी। जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन के गठबंधन ने सारी व्यवस्थाएं तार तार कर दी। कहने को प्रशासनिक अधिकारी कितने ही दावे क्यों ना करें, लेकिन सच्चाई यह है कि पहली मतगणना में ना तो कर्मचारी खुश नजर आए और ना ही पत्रकार। विरोध के स्वरों के बीच प्रशासन आखिरकार अपने मन की करने में कामयाब रहा। भीषण गर्मी में कर्मचारियों ने अपनी किसी तरह मतगणना के कार्य को अंजाम दिया। उनकी हालत देखते ही बन रही थी। इसी दौरान पत्रकारों पर लगी तरह तरह की पाबंदियों ने सच्चाई पर पर्दा डालने का आरोप लगाते हुए उन्हें प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास को सड़कों पर रखकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें ठीक से कवरेज करने दिया गया और ना ही उन्हें मीडिया कक्ष तक भी मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया, जिस कारण पत्रकार खपा नजर आए। इतना ही नहीं, उन्हें संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की जानकारी दी गई। सरपंच एवं जनपद सदस्य चुनावी परिणाम को जानने के इच्छुक ग्रामीणों में भी अच्छी खासी नाराजगी देखी गई। यहां प्रशासन द्वारा सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए वह भी नाकाफी साबित हुए। यदि इसी तरह के इंतजाम नगर पालिका एवं नगर पंचायत चुनाव के दौरान किए गए तो निश्चित ही प्रशासन की भद्द टिपना तय है। बताया गया है कि टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में पहले चरण की मतगणना के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने मीडिया कर्मियों सहित सभी को अंदर जाने से रोका। भीड़ बढ़ने से हालात भी बिगड़ने लगे। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बीच लगातार लोगों और प्रशासन के बीच नोकझोंक होती दिखाई दी। बताया गया है कि टीकमगढ़ जिले में 28 जून को पहले चरण में मतदान की गणना आज शुरू हो गई है। बलदेवगढ़ और खरगापुर क्षेत्र के 301 मतदान केंद्रों के लिए गणना का काम शुरू किया गया। आज शाम तक गणना की प्रक्रिया पूरे करने के बाद पंच सरपंच जनपद सदस्य की मतगणना सारणी परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को होगी। आपका प्रत्याशी हूं, मेरा नाम लखनलाल लोधी है और मैं चुनाव लड़ रहा था और आज 28 तारीख 6/6/2022 को इनने मुझे परीक्षा पत्र के थ्रू अंदर नहीं जाने दिया। कुछ साजिशों से इन लोगों ने कहा कि हम अंदर नहीं जाने देंगे आपको। तो मैं मेरे को पुलिस ने गाली दी, साले अंदर करेंगे मारेंगे तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं चैलेंज देता हूँ जनता को कि मैं 100% आत्महत्या करूँगा। Thank you.